हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गेट योर कॉलेज। मेरा नाम अतुल जैन है और आज मैं जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। इंडियाज बिगेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनका 150 एकड़ कैंपस है। और उसके अलावा इनका सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर 5 देशों में कैंपसेस हैं। इंडिया के अंदर कम से कम इनके 15 यूनिवर्सिटीज हैं। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जिस इंस्टीट्यूशन की मैं आज बात करने जा रहा हूं वहां पे 810 प्लस फैकल्टीज एंड साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो आज मैं बात करने जा रहा हूं एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर के बारे में। एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर इंडियाज बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन में से एक है। आज मैं आपसे बात करूंगा, इसके पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा, इसमें प्लेसमेंट्स कैसी होती है, क्या क्या प्रोग्राम्स मिलते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी, स्कॉलरशिप फैसिलिटी, इसके अलावा प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं इसके अंदर में, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, कोशिश कीजिएगा बीच में बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि इसकी जानकारी आपको जब मिलेगी तो 100% शायद आपका भी मन होगा कि मैं यहीं एडमिशन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बेसिकली ये 2009 में स्टैब्लिश हुआ था और इसे NAC एक्रेडिटेशन और UGC एफिलिएटेड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसके अवार्ड्स के बारे में, तो इट हैज़ बीन रेटेड एज गोल्ड बाई द लीड ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम स्टैब्लिश बाई द US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एंड वेरीफाइड बाई ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन INC। ठीक है, मतलब इनके जो बिल्डिंग है उनको ऑलरेडी ग्रीन बिल्डिंग का अवार्ड मिल चुका है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कितना सुंदर कैंपस होगा जो कि पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, द वीक हंसा रिसर्च बेस्ट यूनिवर्सिटी सर्वे रैंक एमिटी यूनिवर्सिटी एज 6th अमंग द प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। Brands Excellence Award has crowned Amity University with the best private university in North India. ASSOCHAM awarded Amity University for best university campus. World Educational Summit honored Amity University for excelling digital learning and awarded the university with the title of best North India private university. हिंदुस्तान टाइम्स अप्रिशिएटेड द यूनिवर्सिटी एक्सेलेंस इन एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्लेसमेंट। तो आप समझ सकते हैं कितने, इसके अलावा और कई सारे अवार्ड्स हैं जो मैं अगर बोलने जाऊं तो अगला पूरा वीडियो सिर्फ उसी पे बन जाएगा, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता हूं। मैं आपको कुछ इसके बारे में कुछ फीचर्स बता दूं, इनके हाईलाइट बता दूं। इट हैज़ बीन एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी इन UK, द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, accredited by ASIC accreditation service for international colleges UK and association of indian university, in sab ke sath inka association hai ya accreditation hai। agar main baat karu inki facility ke bare mein to aapko jaise maine bataya 150 acre 150 acres ka lavish green campus hai। 3100 seats ke हॉस्टल हैं, मतलब इनके अंदर आपको इन हाउस हॉस्टल मिलेगा गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए सेपरेट। 800 प्लस डिस्टिंग्विश फैकल्टीज एंड रिसर्चर्स हैं। 120 हाईटेक लैब्स हैं, मतलब किसी के यहाँ 10 लैब होते हैं, 15 लैब होते हैं, और इनके यहाँ तो 120 लैब्स ही हैं सिर्फ। ठीक है, अलग अलग तरीके के लाइब्रेरी में 40,000 से ज़्यादा बुक्स हैं। डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज हैं जो आप कहीं से भी बैठ के पढ़ सकते हैं। अराउंड 650 डिफरेंट पब्लिकेशंस की आपको किताबें यहाँ पर मिल जाएंगी। 10 रिसर्च सेंटर्स फॉर कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी, कोस्ट, बिग डेटा, क्लाइमेट रिसर्च, प्लांट न्यूट्रिशन, इन सब चीज़ के ऊपर अलग अलग रिसर्च सेंटर हैं। स्टूडेंट इनोवेशन इनोवेटिव इनिशिएटिव लाइक फार्मूला 1 रेसिंग कार, ऑल टेरेन व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बैम्बू बाइसिकल, स्मार्ट शूज, ऐसे चीज़ों पर भी बहुत सारे यहाँ पर रिसर्च होते रहते हैं। एमिटी इनोवेशन इंक्यूबेटर टू नर्चर एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अलावा एक्सपेंसिव स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स विथ फैसिलिटीज ऑफ हॉर्स राइडिंग, गोल्फ, शूटिंग रेंज, आर्चरी, टेनिस, फुटबॉल, बिलियर्ड्स एंड मेनी मोर। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी भी है और मल्टी कुजीन कैफेटेरिया, जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारे बड़े ब्रांड्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि बाहर आप किसी और जगह जाके जाते लेकिन आपको ये सारी चीज़ें कैंपस के अंदर ही मिल रही है। 150 एकड़ का कैंपस है जिसमें ये सारी चीज़ें मिली जानी चाहिए।
अगर मैं बताऊं इनकी कि अप्रॉक्सीमेटली कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर होते हैं, तो मैं आपको बता दूं बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको यहाँ मिलती है। बायोटेक है, बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर है, इसके अलावा अप्लाइड साइंसेज है, कॉमर्स है, कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, डेटा साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल साइंसेज है, फैशन डिज़ाइन, फिल्म एंड ड्रामा, फाइन आर्ट्स, फूड टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, इंटीरियर डिज़ाइन, जर्नलिज्म, लैंग्वेजेस, लॉ, लिबरल आर्ट्स, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, माइक्रोबियल साइंसेज, नैनो टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, सोलर एंड ऑल्टरनेटिव एनर्जी एंड मास्टर्स ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म। मतलब इतने सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। इनकी फीस भी आपको मैं अगर थोड़ी बहुत बताऊँ कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज की, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बी डिज़ाइन जो कोर्स है उसका फीस जो है अप्रॉक्सीमेटली 4.5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में है, डिपेंडिंग अपॉन ये 4.5 से 10 लाख जो बता रहा हूँ मैं, ये पूरे कोर्स का बता रहा हूँ, 4 साल का ये कोर्स है, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स स्पेशलाइजेशन। इसके अलावा अगर मैं बीटेक की बात करूँ तो इसका फीस जो रेंज करता है वो 6.56 लाख से लेकर 14.8 लाख के बीच में करता है। एमबीए की फीस 1.2 लाख से लेकर 14.8 लाख के बीच में करता है। एमएससी कोर्स का फीस जो है वो 1.28 लाख से 2.56 लाख का करता है, ठीक है। अगर मैं लॉ की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 8.8 लाख रुपीस का है 5 ईयर्स का फीस। 5 ईयर्स की पूरी फीस जो है वो 8.8 लाख है। इसमें हॉस्टल चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, इसके अलावा लगेंगे। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं इसमें तो 88.3% का प्लेसमेंट रेशियो है। मतलब अगर 100 स्टूडेंट्स यहां पे एडमिशन ले रहे हैं तो 88.3 स्टूडेंट्स को, मतलब 88 स्टूडेंट्स को अप्रॉक्सीमेटली प्लेसमेंट मिलता ही मिलता है। हाईएस्ट पैकेज जो गया है वो अराउंड 40 लाख रुपीस पर एनम का गया है और एवरेज सैलरी जो है इनका 5.10 लाख का है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इनके टॉप रिक्रूटर्स के, तो टॉप रिक्रूटर्स जो है वो है TCS, इंफोसिस, एक्सेंचर, कैपजेमिनी, HCL, ITC, कोटक महिंद्रा, गूगल आता है यहाँ पर, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट भी आता है। मतलब इनके पास बहुत ही टॉप एंड कंपनीज आ रही हैं जहाँ पर रेगुलर बेसिस में इनका इंडस्ट्री ओरिएंटेशन भी हो रहा है। कॉरपोरेट के अंदर में कैसे जॉब करना चाहिए, एम्प्लॉयबिलिटी कैसे इनकी बढ़नी चाहिए, शॉर्ट टर्म कोर्सेज बहुत सारे कराते हैं। मतलब ये ओवरऑल एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है अगर जयपुर में हैं आप, और अगर जयपुर में नहीं भी हैं और आसपास के किसी भी क्षेत्र से हैं, इंडिया के किसी भी कोने से हैं, और अगर आप चाहते हैं यहाँ पढ़ना, तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप मुझे बताइएगा कि आपको और क्या जानकारी चाहिए इस यूनिवर्सिटी के बारे में। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कम से कम समय में दे सकूँ। आपके मन में अगर किसी भी तरह का सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, बिल्कुल मुझसे कनेक्ट करें। हमारी एक पूरी टीम है जो बच्चों को काउंसल करती है, बताती है कि किस तरीके से आप आगे और क्या पूछ सकते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में एंड एडमिशन्स प्रोसेस के बारे में, ये सारी जानकारी आपको मेरी टीम उपलब्ध कराएगी। अगर उसके लिए कुछ भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, आप क्लिक करें, डायरेक्टली आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।